हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11th के लिए हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है आरो, जिसमें एक गद्य है मियां नसरुद्दीन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 में गुजरात यानी कि पश्चिमी पंजाब, अभी जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। उसकी रचनाएं देखें तो जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये उपन्यास है, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरझानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये कहानी संग्रह है, हम हसमत, शब्दों के आलोक में, ये शब्द चित्र और संस्मरण है। और आज जो हम गद्य करने वाले हैं मियां नसरुद्दीन, वो एक शब्द चित्र है, हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है, जिसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पैसे को कला का दर्जा देते हैं और करके सिखाने को असली हुनर मानते हैं। तो लीजिए करते हैं आज का लेसन मियां नसरुद्दीन। साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त उनके मसीही अंदाज का। यहाँ पर साहबो यानी दोस्तों जो लेसन पढ़ने वाले हैं उनको बोला गया है, और उन्होंने कहा है अगर हम मटिया महल की तरफ से न जाते तो वहाँ पर राजनीतिक, साहित्यिक, कला में बहुत से मसीह हैं, मसीहा यानी देवदूत, उनके धूम धड़ाके यानी कि भीड़ को कैसे पहचानते। और उसमें एक मसीहा है नानबाई, नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन। अब नानबाई यानी कि रोटी बनाने और बेचने वाला, उसे बोलते हैं नानबाई। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते हुए ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए। अब जो जहां पर हम खड़े हैं वो नसरुद्दीन की दुकान है और वो तो 56 किस्म की रोटी बनाने में मशहूर है, यानी कि 56 तरह की रोटियां बना सकते हैं मियां नसरुद्दीन। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काया भोलापन, काया यानी चालाकी, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, तेवर यानी मुद्रा, ऐसे बैठे थे वो चारपाई पर और बीड़ी का मजा ले रहे थे। हमें ग्राहक समझकर मियां ने नज़र उठाई और कहा फरमाइए। तो हमने झिझक कर कहा आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। तो मियां ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। अब पंच हजारी अंदाज यानी सैनिकों के अधिकारी होते ना बड़े, वैसे अंदाज में उसने सिर हिलाया और कहा निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर और जोड़ा और कहा मियां कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं, अखबार नवीस यानी पत्रकार, यह तो खोजियों की खुराफत है, खुराफत यानी शरारत है, हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं, यानी कोई काम का न होना ऐसा समझते थे मियां नसरुद्दीन पत्रकार को। हाँ
कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है? खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते? पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया? इल्म यानी कि विद्या, जानकारी। अब ये जो पत्रकार है वो मटिया महल की तरफ आए हैं और उन्हें ये नसरुद्दीन की दुकान दिख गई है, तो इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो तरह तरह की 56 किस्म की रोटी बनाना जानते हैं, उसकी विद्या आपने कहाँ से ली? रोटी बनाना आपने किसके पास से सीखा? मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। अब आँखों के कंचे आप समझ ही गए होंगे, आँख। फिर तरेर कर बोले, तरेर कर यानी तान कर कहा। क्या मतलब? नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? इल्म यानी जानकारी। क्या नगीना साज के पास? नगीना साज यानी आपने देखा होगा गहने में नगीने तानते, हीरा बोलते हैं। आईना साज के पास यानी आईना बनाने वाला। मीना साज के पास यानी मीना काम करने वाले। या फिर रफूगर, रंगरेज या तेली तबोली। तेली तगोली यानी कि पान बनाने वाले, उसके पास क्या जाएंगे रोटी बनाने? क्या फरमा दिया साहब, हम तो हमारा खानदानी पैसा है ये। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद से ही, यानी अपने पिताजी के पास सीखा है। मतलब यह है कि हम घर से न निकलेंगे कि कोई पैसा अख्तियार करेंगे। पैसा अख्तियार करना यानी स्वीकार करना। जो बाप दादा का हुनर था, हुनर यानी कला, वही उसने पाया। और वालिद मरहूम के उठ जाने पर, मरहूम यानी स्वर्गीय, यानी हमारे पिताजी मर गए, तब आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। ठिए यानी जगह। अब पिताजी के चल बसने पर हमने उसकी जगह ले ली। तो पत्रकार ने पूछा, आपके वालिद? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से, और उनके भी वालिद यानी कि हमारे दादाजी वो थे आला नानबाई मियाँ कलन। आला यानी श्रेष्ठ, नानबाई मियाँ कलन। पत्रकार ने दूसरा सवाल पूछा, आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद है? नसीहत यानी सीख। आपके पिताजी और दादाजी ने कोई आपको सीख दिए, याद हो तो कहिए। तो मियाँ ने कहा, नसीहत काहे कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। बजा फरमाया है यानी ठीक कहना है। पर यह तो बताइए कि जब आप यानी कि हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब की सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा? यानी पहले पहले आपने रोटी बनाना सीखा तो पिताजी ने कुछ तो सिखाया होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे सांस खींचकर, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, हम बता ही देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद क्या कहता है? के अलीफ। बच्चा कहता है अलीफ, तो उस्ताद बोलता है बोल बे। बच्चा कहता है बे, तो उस्ताद कहता है बोल जिम। बच्चा कहता है जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है यानी मारता है, और सागिर्द चुपचाप परवान करता है। सागिर्द यानी चेला जो सीखने आता है, वो चुपचाप परवान करना यानी उन्नति करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़। सामने से गुजरे एक मीर साहब को आवाज़ दी उन्होंने और कहा, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ?
क्यों? मियां नसरुद्दीन का कहना यह था कि मैंने जो कुछ सीखा है वो अपने आप सीखा है, देख देख कर, किसी ने मुझे सीख नहीं दी। यहाँ पर मियाँ ने एक व्यक्ति को बुलाया है, मीर साहब। वो सुबह सुबह इसकी दुकान पर खरीदी करने आते हैं। वो आज नहीं आए, इसलिए बीच में ही उसे टोका जब रास्ते से गुजर रहे थे। तो मीर साहब ने सिर हिलाया और कहा, मियाँ अभी लौट के आते हैं और बताएंगे क्यों नहीं आए। तब पत्रकार ने फिर से सवाल किया कि आपने एक पढ़ाई के बारे में तो कहा कि उस्ताद बोलता है और फिर जो सीखने आता है वो उसका जवाब देता है, और उस्ताद मारता है तो वो सीख जाता है। ये एक पढ़ाई थी, अब दूसरी पढ़ाई के बारे में कुछ कह रहे थे, वो क्या है? इस बार मियां नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो, हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए कैसे। अगर बच्चे को भेजा मदर से तो बच्चा, मदर से यानी स्कूल में बच्चे को भेजे तो क्या, न कच्ची में बैठा, न बैठ पाया पक्की में, और न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। यानी कि हम जो LKG UKG करवाते हैं, फर्स्ट दूसरी तीसरी ऐसे करवाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये न LKG में गया है, न UKG में गया है, या न पहली में गया है, डायरेक्ट तीसरी में। और हम यह पूछेंगे कि उन तीन जमातों का क्या हुआ, क्या हुआ उन तीन क्लासों का, क्या सीखा होगा उन्होंने। अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे, यानी हमें ही सवाल पूछते रहे, तीसरी जमात का क्या हुआ, उन तीन क्लासों का क्या हुआ। आप ही बताइए, उन दो तीन जमातों का हुआ क्या? अब पत्रकारों को सवाल पूछ रहे हैं मियां नसरुद्दीन। यह बात मेरी समझ के बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियां कलन के पोते यानी मियां नसरुद्दीन बच्चे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंसती है। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है। जरा मान लीजिए, क्या हम बर्तन धोना न सीखते? हम भट्टी बनाना न सीखते? भट्टी को आँच देना न सीखते यानी आग लगाना अंदर? तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ देर देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, ऐसे देख रहे थे। फिर बड़े ही मजे अंदाज से कहे, यानी कि मजे यानी कि कुशल अंदाज से कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, हैं साहिब, माना। मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए और कहा, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियां को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा, खोमचा वाला यानी लारी वाला। तो पत्रकार ने बात ही पलट दी और क्या कहा, आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया है, क्या यहाँ और भी नानबाई है? मियाँ ने घूरा, बहु तेरे पर नान खानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों ने बादशाह सलामत यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? अब देखो, अगर पत्रकार ने कहा कि आप खानदानी नानबाई हो तो दूसरे भी यहाँ होंगे कोई है? तो मियाँ ने कहा, नहीं, खानदानी नानबाई नहीं है, दूसरे तो है ही। हमारे जो बुजुर्ग थे यानी दादा परदादा, वो बादशाह के यहाँ काम करते थे, बादशाह सलामत। तो बादशाह सलामत ने कहा, नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो बनाकर? तो हमारे बुजुर्ग ने कहा, हुक्म कीजिए जहाँ पर ना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ये चीज़? पत्रकार ने पूछा। तो मियाँ ने कहा, क्यों ना बनती साहब, बनी,
और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई, यानी कि उसकी वाहवाही भी की कि बहुत अच्छी बनी है। पत्रकार को लगा कि नया टॉपिक मिल गया है कि इसके बुजुर्ग वो बादशाह के यहाँ काम करते थे, इसलिए उसे लगा कि हमारा यहाँ आना कुछ रंग लाएगा। तो हमने बेसब्री से पूछा, वो पकवान क्या था, कोई खास चीज थी क्या जो राजा के लिए बनाई थी? मियाँ कुछ देर सोचने में खो गए। उन पर रोशनी डालने को ही कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रूखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे। अब नसरुद्दीन को पूछा कि भाई बादशाह को क्या खिलाया, तो नसरुद्दीन तो गुस्से हो गए, बोले मैं नहीं बताऊंगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी होगी ना, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य को देखी पूरी उतरती होगी। पत्रकार मजा लेने के लिए और कुछ टोका और कहा, कहावत ये सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरेरा, और झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? पकती देखी है री? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे, यानी आग से पकती है। सिर हिलाना पड़ा, ठीक है फरमाते हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वो लोंडिया ना आई रुमाली लेने? लोंडिया यानी लड़की, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ रहमत को पूछ रहे कि वो लड़की रुमाली लेने नहीं आली? ये रुमाली यानी कि एक रोटी का नाम है, रुमाली रोटी। पत्रकार ने मियाँ से पूछा, मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, यानी कष्ट उठाना पड़ेगा। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली, सो कुछ फुर्ती पा गए थे, और कहा, पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे, उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम को कुछ किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले। यानी कि मियाँ नसरुद्दीन के पिता 80 साल में चल बसे थे और मियाँ की उम्र 70 तो हो गई है, 70, यानी कि पिताजी जितना जीने मिले या ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बन आया तो कहा, यानी इस विषय पर हमने कुछ नहीं किया तो और बोला, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, शाही यानी राजा के रसोई घर में काम तो किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका और कहा, वह बात तो पहले हो चुकी ना? हो तो चुकी है साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे, यानी कौन से राजा के यहाँ काम किया है आपके बुजुर्गों ने। तो मियाँ ने कहा, अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? बाल की खाल निकालना एक मुहावरा है, यानी कि अधिक बारीकी में जाना। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो काम ये काफ़ी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंस गए और कहा, ये तो काफ़ी है, पर जरा नाम ले ले तो उस वक्त के साथ मिला ले कि कौन से वक्त में थे आपके बुजुर्ग। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिली उड़ा रहे हो। वक्त से वक्त तो किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उसका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पर ना बादशाह सलामत ही ना। तो पत्रकार ने कहा, कौन से बहादुर शाह जफर? मियाँ ने खींच कर कहा, फिर उलट पलट वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुकवा भेजना है कि डाक खाने वाले के लिए सही नाम पता की ज़रूरत होती है?
अब आप यहाँ देख सकते हो कि मियाँ नसरुद्दीन नाम बताना नहीं चाहते कि उनके बुज़ुर्ग कहाँ काम करते थे। इसका मतलब क्या, या तो उसके बुज़ुर्ग ने कभी बादशाह के यहाँ काम नहीं किया, या फिर बादशाह का नाम उसे याद नहीं है, या फिर गप्पे लगा रहे हैं। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बबन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। बिटन बिटन अपनी ओर देखना यानी एकटक, पत्रकार मियाँ की ओर देख रहे थे इसलिए उन्होंने कारीगर से बोला कि जल्दी जल्दी भट्टी सुलगा, काम करना है। यह बबन मियाँ कौन है साहिब, पत्रकार ने पूछा। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक की काट दियो ना ऐसे बोले, अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देख रहे थे। यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? शागिर्दी यानी शिष्य है क्या, सीखने आते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी भी देते, यानी सिर्फ सीखने नहीं आते, साथ में हम पैसे भी देते। 2 रुपये मन आटे की मजूरी और 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। अब देखो, गेहूं का आटा अगर वो गूंदे तो 2 रुपये मनता है, वो भी मन यानी 40 किलो, और मैदे का आटा बनाए तो 4 रुपये मिलता है। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती है, ऐसे पत्रकार ने दूसरा सवाल पूछा। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी, यानी इस विषय में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी हमने छुटकारा पाने के लिए वो बोले, बाकर खानी, सिरमाल, ताफदान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, ये जितने भी मैंने नाम बोले वो रोटियों के नाम हैं। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन। तुनकी नाम की जो रोटी होती है वो पापड़ से भी पतली होती है, किसी दिन खिलाएंगे आपको, आना, ऐसा मियाँ ने पत्रकार को कहा। एकाएक मियाँ की आँखों के आगे कुछ कोंद गया, एक लंबी सांस भरी और फिर किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने के लिए कहा, उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूरी से निगली और हजम, यानी वे जमाने गए जब रोटी खाने वाले कद्र करते थे रोटी का, वो जमाना ही गया। अब तो क्या है, तंदूर से रोटी निकाली, खाई और हजम हो गई। यहाँ तक का आपका लेसन था मियाँ नसरुद्दीन। यहाँ पर हमारा ये गद्य पूरा होता है। धन्यवाद।